भैया लगता है भाभी के पेट में हाथी घोड़े हैं, कैसे लपक लपक के लड्डू खा रही है। अरे चुप रहे बे, कहीं उसने सुन लिया तो इतने जूते मारेगी कि सर पे एक बाल नहीं बचेगा। अरे भाई साहब अरे चलो ना भाई साहब, क्या है आ गए? पैसे वैसे लाए हो या खाली झोला ही लाते आए हो? कैसी बातें करती हो रानी, भला मैं खाली हाथ झोला लटकाए घर आने की हिम्मत कर सकता हूँ भला? हाँ भाभी, खाली झोला लाएंगे तो मार नहीं खाएंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कमाई नहीं हो तो पब्लिक का पॉकेट मार के। अरे यार, आज क्या खाने की जगह जूते खिलवाने का इरादा है? ये लो रानी, पूरे 99 रुपए ले आया हूँ मैं। मेरा मतलब है इतने सारे लड्डू आए कहाँ से? पड़ोस में कोई मर गया है क्या? हटो जी, मैं मरे हुए मुर्दों के खैरात के लड्डू क्यों खाने लगी? वो तो तुम लोगों ने आने में देर कर दी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, मैंने ठोकर मल हलवाई की दुकान से थोड़े से लड्डू मंगवा लिए। थोड़े से क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों के लिए खाना तो बनाया होगा ना। अच्छा, तो मैं बनाऊंगी। अरे मेरे भाग इतने फूट गए हैं कि अभी खाना पकाना भी मैं शुरू कर दूं। रसोई खुली पड़ी है, सब्जी काट कर चूल्हा जला कर आटा गूंद कर रोटी और भाजी बना लो। जरा ज्यादा बनाना, मुझे भी भूख लगी है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक आधा लड्डू अगर। क्यों मरे जा रहे हो? बड़ी मुश्किल से मैंने 2 किलो लड्डू मंगवाए हैं, अभी तो मेरा ही पेट नहीं भरा। मुझे लड्डू दो, मुझे लड्डू दो, हट। अरे पेट है कि गोदाम। गोदान। वो भाभी क्या हुआ, रास्ते में गोदान में खाना बट रहा था तो मैंने भाई साहब को बोला खा लेते हैं अच्छा होता, मगर माने नहीं, माने नहीं। अरे भाभी भाभी, लड्डू में मक्खी, लड्डू में मक्खी। आधा मुझे देना। भाभी ये मक्खी वाला लड्डू मांग रहे हैं। चुप करना यार, तेरी भाभी की आंखों में तो वैसे भी सिकड़ी भड़क रही है, इससे पहले कि वो हमें कबाब की तरह सेक डाले यहाँ से चल पड़ते हैं। चल 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 चल। मोह पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे, मेरे पनघट पे सब्जी पकाए गयो रे। भाई साहब, ये पनघट के साथ एक लंबा सा घूंघट भी डाल लोगे ना तो गाने में बहुत मजा आएगा। ओए क्या बकता है रे तू? सच कहता हूँ, कान में बाली, नाक में नथनी, मांग में सिंदूर, कमीज की जगह चोली, धोती की जगह साड़ी पहन लो तो आधे मर्द से पूरी औरत बन जाओगे। देख देख, तू बकवास बंद कर वरना सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। पिल पिला टमाटर तो फोड़ नहीं सकते, मेरा सर क्या फोड़ोगे? हैं? जब से मां मरी है हमारी तकदीर ही फूट गई। बाहर गाना गाते, घर में आकर खाना पकाते, बाहर हमको पब्लिक पैसे देती है, और यहाँ यहाँ घर में आकर तुम्हारी पत्नी से रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। देख बोले। देखूं क्या? अरे तुम्हारे पास दिखाने को रखा ही क्या है? देखो भाई साहब, मैं तुम्हारी इन आंखों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे इनसे ज्यादा गुस्सा तो मरे हुए आदमी की आंख में होता है। अजी सुनते हो भोले के भैया, खाना वाना पकाया भी या सिर्फ गप्पे ही हाँकते जा रहे हो? हिल गए, चलना यार वरना शामत आ जाएगी। आया आया रानी, रानी तुम बाहर जाकर खुली हवा में आराम से बैठो, मैं 10 मिनट में गर्मा गर्म पूरियां तुम्हारे हुजूर में पेश करता हूँ। बड़ा बेशरम भाई है मेरा, पत्नी का पति कहीं का। क्या बकता है तू? तुमने मुझसे कुछ कहा? अरे नहीं नहीं रानी, मैं तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत कर सकता हूँ भला। अच्छा, मैंने सुबह तुम्हें जो कुछ कहा था वो याद है? क्या कहा था? तुम्हारा सर, भोपले जैसा सर है, उसमें चींटी जितना भेजा नहीं है। क्या कहा था? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, अगर इनको भेजा होता तो आज इस घर का नक्शा ही कुछ और होता। अरे तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? क्या कहा था तुमने? मैंने कहा था बचपन में जो तुम्हारा छोटा भाई मर गया था ना, उसकी पत्नी को लेके आना है। ये लो पैसे और उसे ले आओ। लेकिन इतने थोड़े से पैसों में आना जाना कैसे होगा रानी? क्यों नहीं होगा, जाते वक्त तुम ट्रेन के ऊपर बैठ के जाना, उसे घर से स्टेशन तक टांगे में बिठा कर लाना, फिर उसे भी ट्रेन की छत पर बिठा कर ले आना, समझ गए ना? चलो जाओ। ओहो, एक और मुसीबत आ रही है, वो भी अगर भाभी की टक्कर की निकली। ओहो तो 3 की जगह 4 का खाना बनाना पड़ेगा। चुप भी कर, जब भी सोचता है उल्टा सोचता है। जा मेरे कपड़े निकाल। कौन से? वो जो धोबी घाट से छुरा के लाए थे। हाँ वही। ये
शर्म, बेहया, तेरी इतनी हिम्मत के आज तू मेरे सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है? लो, मैं क्या तुमसे डरता हूँ क्या? अरे आज तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कल से मैं तुम्हारे सामने शराब पीऊंगा, घर में चंपा बाई को लाकर नाच कराऊंगा, दुनिया भर की बदमाशियां करूंगा। अरे तुम देखते तो जाओ। क्या तू मेरे सामने बदमाशियां करेगा? हाँ, जुआ खेलूंगा, गुंडागर्दी करूंगा, मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या? तू मेरे सामने दुनिया की हर बुराई करेगा और मैं देखता रहूंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। वाह भैया, आज तुमने पहली बार हाथ उठाया है, इस उठे हुए हाथ को गिरने मत देना, ये मर्दानगी का झंडा है। आज पहली बार तुमने सबूत दिया है कि तुम बुजदिल नहीं हो, मर्द हो। इस मर्दानगी के हथियार को तलवार की तरह चलाओ भैया। घर की चार दीवारी में बहुत जुल्म बनता है, उसका सर्वनाश कर डालिए। अपनी मासूम बेजुबान भाभी अत्याचार की चक्की में सुबह शाम पिस रही है, उसे बचा लो भैया, उसे बचा लो। वो बड़े घर की बच्ची है, गरीबों के घर में उस पर जुल्म होगा तो गरीबी बदनाम हो जाएगी। आज गरीबों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, जय बजरंग बली बोलकर हमला कर दीजिए और गरीबी की इज्जत को दाग लगने से बचा लो भैया, बचा लो। अरे वाह भोले, तूने मेरे हाथ की बेधारी तलवार को धार लगा दी बेटे। उस दिल्ली की पट्टी से बंद मेरी आंखें खोल दी। वहां जाके घबराना नहीं भैया, रास्ते में बजरंग बली का नारा लगाते चलो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। दीदी क्या है? दीदी ये तार कब आया? परसों आया था। परसों? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ए, आवाज नीची कर, और ये आंखें है ना, जरा छोटी करके बात कर, वरना दो उंगलियों से तेरी आंखें निकाल डालूंगी, समझी? आज आप मेरी जान क्यों ना ले ले, मैं ये पूछ कर रहूंगी कि आपने मुझे इस तार के बारे में बताया क्यों नहीं? रुक जाओ। बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। खबरदार जो तुम लोग मेरे बीच में बोले तो, ये कमीनी दिन रात यहाँ बैठकर हराम की रोटियां तोड़ती है और तड़पती अपनी जीजा की बीमारी के लिए, आज तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ के रखूंगी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, आज तो मैं तेरी ऐसी मरम्मत करूंगी। ये डंडे का झंडा मुझे देना, आज मरम्मत मैं करूंगा। जय बजरंग बली, हड्डियां मैं तोड़ूंगा। जय बजरंग बली, तुम्हारे हाथों में इतना दम है कि डंडा भी उठा सको? अरे ये परसों से सोया हुआ हाथ आज जागा है। ए लड़की इधर आ, अब देखना ये हाथ का डंडा क्रिकेट बैट की तरह कैसे काम करता है। ला मुझे दो। ये लो, और आज इसकी ऐसी मरम्मत करो कि इसकी हड्डियों का पानी पानी हो जाए। बिल्कुल, पहले तो हड्डियों का पानी बनाऊंगा, फिर उस पानी से नहाऊंगा, फिर चमड़े का तौलिया बना के उससे अपना बदन पोंछूंगा। क्यों बोले? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, तोड़ू। दिमाग खराब नहीं हुआ है, आज पहली बार दिमाग रहती है। लड़की खाएगी, लड़की घर भर के लड़की खाएगी, और जानवरों की तरह काम करने वाली उस मासूम लड़की पर दिन भर ये दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? उस मिठाई वाले के पैसे चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट गई। थोड़ा बहुत ब्याज तो वसूल करने दो। वाह भाई साहब, तुझसे तो मुझे 12 साल के बदले लेने हैं। अब 12 साल में तो सिर्फ 5 मिनट के बदले लिए मैंने, 5 मिनट के। 3 साल तक तुझे इसी तरह लगातार मारता रहूंगा, तब कहीं जाके मेरे दिल के 1 करोड़ छालों में से 10-12 छाले सूखेंगे। मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, इस घर की नौकरानी बनकर रहूंगी। मत मारो मुझे, मत मारो। माफी मुझसे नहीं, उस मासूम लड़की से मांग। जा, मुझे माफ कर दे बेटी,
नहीं नहीं, अब मैं तुझ पर जुल्म कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं, ये आप क्या कह रही हैं? तो खाओ कसम कि आज के बाद तुम्हारे सारे नखरे नाटक बंद, एक सीधी सादी घरेलू औरत बन के इस घर में रहोगी और शाम जैसी लंबी जबान को अपने मुंह के बिल में हमेशा के लिए कैद करके रखोगी। खाओ कसम। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं सुधर जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। ठीक है, हाँ बोल बेटी, तू क्या कहती? बड़े भैया, मुझे मेरे जीजा जी के पास ले चलिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे उनके पास पहुंचा दीजिए। नहीं 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 बहन, हाथ नहीं जोड़ते, हुक्म करो। अरे बहनें अपने भाइयों से भीख थोड़ी मांगती हैं, अधिकार मांगती हैं। मैं खुद तुमको तुम्हारे घर पर बड़ी इज्जत से छोड़ के आऊंगा, क्यों भाई? तो हाँ, बोला बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओ जाकर तैयार हो जाओ और सुनो, अपना चेहरा थोड़ा साफ कर लो, आंसुओं के साथ नाक बह बह कर पूरा चेहरा गीला कर लिया है, जाओ। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ ठोकर मल हलवाई के पास और मेरे लिए 2 किलो लड्डू ले आओ, जाओ जाओ। ये क्या किया भाई साहब आपने? क्यों? अरे फिर लड्डू खाने भेज दिया उसको? अरे हट, आज से लड्डू हम खाएंगे।